हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक नई डिज़ाइन लेकर आई हूँ नेकलेस की। इसके लिए मैंने ये देखिए, कुछ ये इस तरह से बनेगा। ये थ्री लेयर में बनेगा, थ्री रो कंप्लीट होगी। ये पहली रो बना रहे हैं अभी हम। इसको बनाने से पहले मैं इसका ग्राफ पहले आपको समझा देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये इसका ग्राफ है। ये डिज़ाइन कुछ इस तरह से बनेगी। सबसे पहले हम यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं। ये वाला हमारा छोटा रिंग बनने के बाद ये चेन, फिर इसके साथ बीट्स के साथ अटैच करते हुए फिर से ये वाला रिंग। इस तरह से ये हमारी पहली रो कंप्लीट होगी। जितना बड़ा नेक का आपको साइज़ चाहिए नेकलेस के लिए, उतना बड़ा ये रो कंप्लीट कीजिए। उसके बाद गोले और शटल के धागे से आपस में टाई करते हुए, वीविंग करते हुए हमें ये वाला सेकेंड रो बनाना है। सेकेंड रो हमारे इस चेन पर हमने एक पिकॉट दे रखा था, तो इस पिकॉट में हम बीट्स डालते हुए ये वाला रिंग अटैच करेंगे। ये छोटा रिंग बनाने के बाद फिर ये नीचे की सेमी सर्कल, और ये आपस में कोई भी रिंग अटैच नहीं होगा। फिर से सेमी सर्कल करते हुए ये सेकेंड रो हम कंप्लीट करेंगे। जो कि सेकेंड रो के बाद हमें थर्ड रो कंप्लीट करनी है। थर्ड रो में हम शटल और गोले के धागे को टाई करते हुए वीविंग करते हैं, और फिर हम ये वाला फ्लावर बनाते हैं। सबसे पहले हम ये बनाएंगे अपनी रो। सबसे पहले सर्कल बनाइए, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल के बाद हम ये वाला लीफ शटल से बनाते हुए इसको आपस में अटैच कर देंगे सर्कल को यहाँ से, और फिर हम ये थ्री पेटल का फ्लावर बनाएंगे और इसमें ये बीड्स डाल देंगे। फिर एक सिंगल सर्कल, फिर फ्लावर, फिर सिंगल सर्कल, फिर फ्लावर। इस तरह से हमें नीचे की अपनी थर्ड रो भी कम्प्लीट करनी है। इस तरह से हमारा पूरा नेकलेस तैयार होगा। फ्रेंड्स, इसमें कोई भी ऐसी नई डिज़ाइन नहीं है, ये हम ऑलरेडी पहले भी बना चुके हैं सारी चीज़ें, लेकिन अब हमने आपस में इसको अटैच करके एक नया वेरिएशन देकर एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा हमने नेकलेस कंप्लीट किया है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं बनाना। इसको बनाने के लिए मैंने ये एंकर का लाइट पिंक कलर यूज़ किया है। इसका नंबर 00052, ये देखिए, ये 00052 है। और इसमें जो मैंने बीड्स यूज़ करी हैं, ये ब्लू कलर की यूज़ करी हैं। इसमें फोर साइज है। एक तो ये कलर यूज़ किया मैंने छोटा वाला, ओवल शेप में मैंने मोतियाँ ली हैं, और गोल क्रिस्टल के लिए हैं ये देखिए इस तरह की। और इसमें कुछ छोटी मोतियाँ भी हमने ली हैं जो 20 की साइज़ की हैं, वो इस तरह से दिखेंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, पहली रोज की बनाना स्टार्ट करते हैं। शटल और गोले के धागे को मैंने अटैच करने के बाद सबसे पहले बनाया है शटल के धागे। अटैच करने के बाद पहले बनाइए गोले के धागे को फिंगर पर लपेटते हुए शटल से बनाइए 6 डबल स्टिच। पास में ले जाकर वन पिकॉट, अगेन 6 डबल स्टिच। थोड़ा सा टाइट कर दीजिए इसको। डिज़ाइन को फ्लिप कीजिए और गोले के धागे को खोलते हुए शटल से बनाइए। फिर डबल स्टिच के बाद पिछले रिंग के पिकॉट से हमें इसको अटैच करना है, लेकिन बीच में हम इसमें मिडिल वाले साइज की बीट्स डाल देते हैं इसमें। शटल पास कीजिए, अगेन 3 डबल स्टिच। थ्री डबल स्टिच होने के बाद अब इसमें छोटी वाली बीट्स डालेंगे, तो नीडल की हेल्प से डालेंगे क्योंकि इनके होल बहुत ही छोटे होते हैं, ये क्रोशिया की हेल्प से नहीं डाल सकते इनको। नीडल निकाल लीजिए थ्रेड से, अब शटल पास कीजिए। इस तरह से हमारे थ्रेड पे ये 3 बीट्स आ गई।
आप इनको ट्रायंगल शेप में पकड़ के 3 डबल स्टिच की नॉट लगा दीजिए। ये देखिए इस तरह से हो गया 1 पिकॉट। अगेन 3 डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए। ये देखिए इस तरह से बन गया। इस तरह से आप उसको डिज़ाइन को बनाते जाएंगे। फ्रेंड मुझे जितना लंबा ये चाहिए था उतना मेरा कंप्लीट हो गया है। अब मैं यहाँ पे नॉट लगा के दोनों थ्रेड में इस धागे को अलग कर देती हूँ। इसके बाद हमें अपनी सेकेंड रो कंप्लीट करनी होगी। फ्रेंड्स की सेकेंड रो हम स्टार्ट कर रहे हैं। सेकेंड रो के लिए हमें सबसे पहले हम बनाएंगे 3 डबल स्टिच। शटल और गोले के धागे को आपस में जोड़कर शटल के धागे से बनाइए 3 डबल स्टिच। 3 डबल स्टिच के बाद ऊपर वाली रो की जो हमारी ये पिकॉट बनाई थी हमने, इसमें हमको अटैच करना है। पहले 3 डबल स्टिच, 1 पिकॉट, अगेन 3 डबल स्टिच। अब हम इसमें अटैच करेंगे तो पहले हमें यहाँ पे बीड्स डालनी होगी। यहाँ पे मैं पिंक बीड्स डाल रही हूँ। ये देखिए क्रोशिया की हेल्प से शटल पास कर दीजिए। अब फिर से 3 डबल स्टिच बनाइए, 1 पिकॉट, अगेन 3 डबल स्टिच। थ्रेड खींच दीजिए, ये छोटा रिंग बनेगा 3 डबल स्टिच का। इस तरह से आप डिज़ाइन को फ्लिप कीजिए और गोले के धागे को फिंगर पर लपेटते हुए शटल से बनाइए 8 डबल स्टिच, पिकॉट और 8 डबल स्टिच के सेमी सर्कल। देखिए सेमी सर्कल कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स हमने यहाँ पे जो ये पिकॉट छोड़े हैं, यहाँ पर आप चाहें तो इस तरह से 3 बीड्स भी डाल सकते हैं। दोनों साइड में ब्लू कलर की ये वाले 3 बीड्स भी डाल सकते हैं। मैंने नहीं डाले हैं, यहाँ पे सिर्फ पिकॉट छोड़े हैं। आप डिज़ाइन को फ्लिप कीजिए। अब फिर से हमें ये रिंग बनाना है 3 डबल स्टिच। अगेन 3 डबल स्टिच। वन पिकॉट और 3 डबल स्टिच करके रिंग कंप्लीट कीजिए। फिर से फ्रेंड्स हमारी ये सेकेंड रो भी कंप्लीट कीजिए। नीचे 8 डबल स्टिच, पिकॉट और 8 डबल स्टिच और 3 डबल स्टिच का ये रिंग बनाना है बीड्स डाल के। तो ये डिज़ाइन हमारी इस तरह से आ जाएगी। कि फ्रेंड्स मेरी सेकेंड रो भी कंप्लीट हो गई थी। सेकेंड रो के बाद हमने थर्ड रो अपनी बनाई है। थर्ड रो में ये देखिए इस तरह से मैं आपको दिखाती हूँ। हमने ये पहले 3 पेटल्स का फ्लावर बनाया। फ्लावर बनाने के बाद सेमी सर्कल अटैच करते हुए हमने ये सिंगल एक रिंग बनाया। फिर से फ्लावर, फिर रिंग, फिर फ्लावर, फिर रिंग। इस तरह से हमने ये नीचे की पूरी रो कम्प्लीट करी है। ये देखिए इस तरह से नज़र आ रहा होगा आपको। एक बार मैं इसको बना के बता देती हूँ कि मैंने इसे कैसे बनाया है। पास में ले जाकर अब इसमें बीड्स डाल दीजिए। यहाँ पर हम मिडिल वाली बीड्स डालेंगे अपनी ब्लू कलर की। शटल पास कर दीजिए। फिर से 4 डबल स्टिच। अब इसको पिछले वाले सर्कल के पिकॉट से अटैच कर देंगे। फिर से बनाइए 4 डबल स्टिच। अब इसमें हम बीड्स डालेंगे। तो यहाँ पे हमें छोटी वाली बीड्स डालनी है। एक साथ 3 बीड्स डालनी है। निकाल दीजिए।
ट्राइंगल की शेप में करके इसमें फिर से 4 डबल स्टिच लगाइए। वन पिकॉट, और 3 डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए। ये देखिए हमारा एक रिंग बन गया इस तरह से। अब हम फिर से बनाएंगे शटल के धागे से 3 डबल स्टिच बिल्कुल पास में ले जाकर। पिछले पिकॉट से अटैच कर दीजिए। फोर डबल स्टिच, बीट्स डालिए इसमें फिर से 3। फोर डबल स्टिच। अब हम इसमें बड़ा वाला रिंग डालेंगे। इसके टॉप पे हम अपना बड़ा वाला बीट्स डाल देते हैं ब्लू कलर का। शटल पास कर दीजिए। अगेन 4 डबल स्टिच। फोर डबल स्टिच के बाद फिर से इसमें बीट्स डालिए। ट्राइंगल की शेप में पकड़ के इसको फिर से 4 डबल स्टिच लगाइए। वन पिकॉट और 3 डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए। थ्रेड खींच दीजिए। अब थर्ड वाला बिल्कुल फर्स्ट वाले की तरह ही बनेगा। सबसे पहले 3 डबल स्टिच पास में ले जाकर अटैच किया। पिछले रिंग के पिकॉट से इसको अटैच करते हुए 4 डबल स्टिच। फिर से 3 बीट्स डालेंगे। फिर से ट्राइंगल की शेप में पकड़कर अगेन 4 डबल स्टिच। वन पिकॉट फोर डबल स्टिच। ब्लू वाली बीट्स डालिए।
4 डबल स्टिच और रिंग कंप्लीट कीजिए। ये हमारा थर्ड रिंग हो गया। अब डिजाइन को फ्लिप कीजिए, गोले के धागे को फिंगर पर लपेटते हुए शटल से बनाइए 8 डबल स्टिच, बिल्कुल पास में ले जाकर बनाइएगा। सेकेंड रो से इसको अटैच कर दीजिए। हमारे सेकेंड रो की जो ये पिकॉट जा रहे हैं, इसमें हमको इस डिज़ाइन को अटैच करना है। आप चाहे तो यहाँ बीट्स डाल के भी इसको अटैच करते हैं कर सकते हैं। मैं इसको ऐसे ही अटैच कर रही हूँ। फिर से बनाइए 8 डबल स्टिच। डिज़ाइन को फ्लिप कीजिए 8 डबल स्टिच होने के बाद। फ्लिप करने के बाद अब हमें फिर से बनाना है शटल के धागे से 8 डबल स्टिच। अब हमें सिंगल एक रिंग बनाना है। पास में ले जाते हुए एट डबल स्टिच के बाद जो हमने फ्लावर बनाया था उसके इस पिकॉट से इसको अटैच करना है। अगेन 8 डबल स्टिच। एट डबल स्टिच कंप्लीट होने के बाद हम इसमें एक बड़ा रिंग बीट्स डालेंगे अपना। अगेन 8 डबल स्टिच। वन पिकॉट और 8 डबल स्टिच करके रिंग कंप्लीट कीजिए। ये देखिए हमारा एक रिंग कंप्लीट हो गया है। अब हम अपने डिज़ाइन को फिर से फ्लिप करेंगे और 8 डबल स्टिच की चेन बना के पिछली वाली रो से सेकेंड रो से इसको अटैच करके फिर से 8 डबल स्टिच बनाएंगे और 3 पेटल्स का फ्लावर बनाएंगे जो कि अभी इससे पहले हमने बनाया था ये वाला। इस तरह से फिर रिंग, फिर ये रिंग बनाएंगे, फिर अटैच करेंगे, फिर फ्लावर बनाएंगे। इस तरह से फ्रेंड्स अपने नीचे की रो कंप्लीट कीजिए। मेरा लास्ट में आ गया डिज़ाइन। अब हम इसको फिर से 8 डबल स्टिच करके 8 डबल स्टिच की छोटी चेन बना के इसको मैंने लास्ट वाले फ्लावर के साथ अटैच कर दिया है। ये लास्ट रिंग था फ्लावर का, इसके साथ यहाँ पर मैंने इसको अटैच कर दिया इस चेन को। ये देखिए इस तरह से मेरी डिज़ाइन आ गई। अब डिज़ाइन को फ्लिप करके आज के डिज़ाइन में हम फिर से ऐसे एक चेन ले जाके इस चीज़ को कवर कर देंगे।
सेकेंड रो की चेन से इसको अटैच करते हुए डिज़ाइन को यहाँ पे बंद कर देंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे डिज़ाइन लाके बंद कर दिया है। अब यहाँ पे हम थ्रेड को काट देंगे नॉट लगा के। यहाँ से ही पूरा कंप्लीट हो गया। दूसरी साइड भी हम ऐसे ही करेंगे। ये देखिए सारा खुला हुआ है, तो इसको आपस में अटैच करने के लिए हमें चेन बनाकर सीधा ऐसे अटैच कर देंगे यहाँ से लेके यहाँ तक। शटल के धागे को ही आधा मैंने फिंगर पर लपेट लिया और आधा शटल से काम कर लिया, क्योंकि अब हमें और तो बनाना नहीं है। ये एस्टर धागा है मेरा, तो यहीं से स्टार्ट करते हुए एक लंबी चेन बनाते हैं और इसको आपस में अटैच करते हुए जा रहे हैं, जिससे कि कॉर्नर हमारा बिल्कुल क्लीन हो जाए। ये देखिए 15 डबल स्टिच बना दिए। ये फर्स्ट रो से अब सेकंड रो में पहुंच गया है, तो सेकंड रो के लास्ट पिकॉर्ड से इसको अटैच कर देते हैं। अब फिर से यहाँ से लेके इस रो से लेके इस रो तक बना लीजिए 15 डबल स्टिच और बना लीजिए, लगा के थ्रेड को निकाल दीजिए। देखिए हमारा इस तरह से कॉर्नर बन गया। थ्रेड को काट दीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा पूरा नेकलेस अब कंप्लीट हो चुका है। ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इसको थोड़ा सा और हैवी बनाने के लिए मैं इसमें बीच में भी बीड्स डाल रही हूँ, रो जहाँ से अटैच हो रही है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपनी निडल में डबल थ्रेड डाल दिया है और ये बहुत मजबूत थ्रेड है जो आसानी से टूटेगा नहीं। हम इसे इस तरह से निकालेंगे धागे को और इसमें अपनी एक बीट्स डालते हुए इस जगह पे इसको अटैच कर देंगे और अपने इस पिकॉर्ड से थ्रेड को निकाल लेंगे। ये इस तरह से आ गया हमारा। एक बार इसमें से फिर से निकाल लीजिए, जिससे ये टाइटली इसके साथ अटैच हो जाए। फिर से हमने इसमें सेकंड बीड्स डाली पास में ले जाकर और इस वाले पिकॉर्ड से इसको नीडल की हेल्प से अटैच कर दिया। ये देखिए इस तरह। और इसमें ऐसे फिर से एक बार निकाल लीजिए थ्रेड को, जिससे कि मूव करना बंद कर दे। इस तरह से आप अपने पूरे डिज़ाइन में इस तरह मोती को अटैच कीजिए। आप चाहें तो इसमें गोल्ड बीड्स भी डाल सकते हैं। इसमें मेरे सारे ये बड़े वाले बीड्स भी लग गए हैं, इससे इसका लुक और भी थोड़ा हैवी हो गया है। अब हम यहाँ पे अपने लास्ट में इसमें डोरी भी डाल सकते हैं या आप हुक लगा कर इसको कैरी कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स कि ये नेकलेस आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू।